बच्चों, आज हम लोग अगला चैप्टर जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये जनन जो है जीव का एक लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है। जीव का महत्वपूर्ण लक्षण है, ये प्रत्येक जीव में पाया जाता है। अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से उस जीव की अपनी जाति की वंशावली बराबर आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए जनन को जीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण कहा गया है। तो वही लक्षण हम यहाँ पर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में जनन पढ़ेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें जनन में देखेंगे कि सबसे पहले नर लैंगिक लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे लैंगिक लक्षण में, लैंगिक लक्षण से तात्पर्य है नर जनन अंग। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो नर जनन अंग की बात करते हैं तो मनुष्यों में नर जनन अंग को वृषण कहा जाता है। अगर देखा जाए तो वृषण के विषय में, तो मानव में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ा वृषण पाया जाता है जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इसी वृषण के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। वृषण के द्वारा इस वृषण से नर युग्मक बनने में कुछ और सहायक अंग भी हैं, जैसे शुक्राशय नलिका, शुक्रवाहिका, तो ये सब नरजनन अंग में नर युग्मक बनने के या निर्माण होने में सहायता करते हैं। ये नर युग्मक जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, अंडकोश में, या जिसको बेटा कहते हैं वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश जो होता है ये मानव शरीर से बाहर नीचे की तरफ स्थित होता है। मतलब ये है बच्चों कि मानव शरीर से बाहर ये वृषण कोश होता है। उस वृषण कोश में वृषण होता है। अब मानव शरीर से बाहर होने का अर्थ ये होता है कि मानव शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान पर वृषण कोश में वृषण द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है। अर्थात शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान पर नर युग्मक बनते हैं, इसीलिए जो है वृषण कोश मानव शरीर से बाहर स्थित होता है और उसी वृषण कोश में वृषण के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरह से बाहर होने का कारण केवल तापमान संतुलन के कारण है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वृषण में नर युग्मक बनने के साथ साथ, इसमें अगर आप देखेंगे तो वृषण में कुछ विशेष प्रकार की
कोशिकाएं होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विशेष कोशिकाएं। जैसे आपने कहा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं अगर देखा जाए तो स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस की घटना में सहयोग करते हैं। इसको आप फॉलिकल सेल भी कहते हैं, फॉलिकल सेल भी कहते हैं। ये फॉलिकल सेल जो होती है बच्चों वृषण के अंदर कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इन्हीं फॉलिकल सेल में परिवर्तन होता है, इस फॉलिकल सेल की संरचना में परिवर्तन होता है, और इसी फॉलिकल सेल द्वारा गैमेट का निर्माण होता है। गैमेट अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन होने का उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि इसके पहले तक नर युग्मक जब बन रहा है उसके पहले जो है इसमें द्विगुणित अवस्था में कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि शारीरिक संरचना में समसूत्री विभाजन होता है तो जिसके फलस्वरूप ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो समसूत्री विभाजन की वजह से यहाँ पर ये जो फॉलिकल सेल होती है 2n स्टेज में अर्थात द्विगुणित अवस्था में होती है, 2n स्टेज में होती है। तो जब 2n स्टेज में है, अगर यहाँ पर फॉलिकल सेल में इस तरह का डिवीजन नहीं होगा तो 2n स्टेज से ये n स्टेज में नहीं आएगा, अर्थात द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में नहीं आएगा। अगर अगुणित अवस्था अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो उस की अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या यथावत बनी रह जाएगी, और जब वो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या उसके जनक से उसमें परिवर्तित हो जाएगी। जबकि सेम स्पीसीज में, किसी भी जीव की सेम स्पीसीज में गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहनी चाहिए। जब गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है तो उनके लक्षण बिल्कुल सिमिलर देखते हैं, मतलब मनुष्य है तो मनुष्य का संतान मनुष्य होता है। इसीलिए जो ये 2n स्टेज में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस भी कहा जाता है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, मतलब ये जो 2n से है इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो ये n स्टेज में आ जाता है, इसी को गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं, युग्मक कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अब युग्मक जब बन जाता है तब ये जाके आगे निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, लेकिन जब युग्मक बनता है यहाँ पर तो ये सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ये शुक्रवाहिका में आते हैं, शुक्रवाहिका में प्रवेश करते हैं। शुक्रवाहिका के बाद ये शुक्रवाहिका से ये जो है जो यूरिनरी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, इससे जुड़ जाती हैं। तात्पर्य ये है जो यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है वो ये इसका स्राव जो होता है शुक्रवाहिका के माध्यम से यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं, जहाँ पर ये यूरिन के मार्ग से जुड़ जाती हैं और ये जो है
पेनिस की संरचना में प्रवेश कर जाती हैं, पेनिस की संरचना में प्रवेश कर जाती हैं और इसी के माध्यम से ये शरीर से बाहर ये निकलता है नरयुग्मक और जाकर के निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। मतलब ये है कि ये जो नरयुग्मक बन रहा है जिसको आप स्पर्म कहते हैं, ये यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ही पेनिस के अंदर प्रवेश करता है और उसी के मार्ग से, मतलब यूरिन त्याग के मार्ग से ही ये जो सेमिनल फ्लूड है या शुक्रवाहिका तरल है, ये जो है इसी के माध्यम से मेल गैमेट के रूप में मादा के शरीर में प्रवेश करता है और निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। तब जो है जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर एम्ब्रियो से बच्चे का विकास होता है। तो इस तरह से जो है नर जनन अंग की संरचना की बात इस तरह से थी। अब थोड़ी सी बात ये आती है कि जैसे नर जनन अंग में एक घटना पाई गई है कि जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रोकने की प्रक्रिया देखी गई है, तो एक मेथड ये होता है नर में या मेल में एक विशेष प्रकार का सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा इसमें मेल की जो शुक्रवाहिका नलिकाएं हैं उन्हीं को काट दिया जाता है जिसके कारण जो है इसमें से जो नर गैमेट है, नर युग्मक है, वो जाकर के मादा युग्मक से मिलने नहीं पाता। इस घटना को जो है सर्जिकल ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है, जिसको पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है, जो मतलब जनसंख्या नियंत्रण या बच्चों की जन्म दर में कमी लाने का एक अच्छा माध्यम है और अस्थाई माध्यम है। तो ये प्रक्रिया भी होती है, तो उसमें सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा उन नलिकाओं को काट दिया जाता है या कभी कभी बांधने का भी कार्य किया जाता है। काट देने से फिर जो है नरयुग्मक उस मार्ग से बाहर नहीं आ पाता और आगे की क्रियाओं में भाग नहीं ले पाता। तो इस तरह से देखिए जो है नरयुग्मक का ये निर्माण था और इस तरह से ये मादा के शरीर में प्रवेश करके और निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। अब इसके बाद बात आती है मादा जनन तंत्र की बात की जाए तो मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से उसको नाम दिया गया है अंडाशय। मादा जनन अंग को अगर देखा जाए तो उसको अंडाशय कहा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो मादा जनन अंग तो इसका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, देख ले आप। तो इसको देखिए आप, ये एक पेयर एक जोड़ा होता है, इसको अंडाशय कहा गया है, इसको गर्भाशय कहा गया है, इसको अंडवाहिनी कहा गया है, को वजाइना कहा गया है। तो इस तरह से इसके मादा जनन अंग में अगर जनरल रूप देखें तो इसके तीन भाग बेसिक होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ये एक पेयर होता है, एक जोड़ा। अब इसमें क्या होता है, एक क्रियाशील होता है, क्रियाशील तात्पर्य एक समय में एक ही क्रियाशील होता है, एक रेस्टिंग पीरियड में रहता है, अगले महीने फिर वो दूसरा क्रियाशील होता है, तो पहला वाला रेस्टिंग पीरियड में रहता है। यहाँ पर भी वही घटना होती है, इसमें जो फॉलिकल सेल पाई जाती हैं तो इसमें एक
अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जिसके फलस्वरूप अंड का निर्माण होता है, ओवा का निर्माण होता है, ओवा जिसको अंड कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। फिर ये जो घटना हो रही है FSH एक हार्मोन होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो होता है हार्मोन FSH, इसी के कंट्रोल में ये घटना होती है, तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका रूप चेंज होता है और ओवा का निर्माण होता है। उसके बाद जब ओवा बन जाता है तो यहाँ पर एक हार्मोन और कार्य करता है जिसको LH नाम दिया गया है, LH जिसको कहा गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है ये बने हुए अंड को, ओवा को वहाँ से निक्षेपित करता है, वहाँ से प्रतिस्थापित करता है, मतलब इस प्लेस से ये निकलकर बाहर की तरफ आता है, मतलब इधर से होते हुए इस अंडवाहिनी में आकर यहाँ पर ये रुक जाता है। तो यहाँ तक, यहाँ से हटाने का काम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा है। फिर दूसरी घटना ये है कि इस मार्ग से वैजाइना से होकर के नर युग्मक, जिसको आप स्पर्म कहते हैं, ये प्रवेश करता है और अंडाशय को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आकर जो है ये स्पर्म है, ये यहाँ पे आकर फ्यूजन का काम करते हैं, मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है अंडाशय के अंडवाहिनी में होता है, मतलब गर्भाशय यूटेरस को क्रॉस करके स्पर्म आकर के यहाँ पे इस स्थान पर फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। तो यहाँ पर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो इसी घटना को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जब जायगोट बन जाता है तब ओविडक्ट से ये आगे की तरफ विस्थापित होता है, जब आगे की तरफ विस्थापित होता है तब आकर के यहाँ पे जो है गर्भाशय में ये यहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो इसमें इम्प्लांट होने के लिए यूटेरस में विभिन्न प्रकार की वाल्स का निर्माण होता है जो त्रिस्तरी वाल होती है। कैसी वाल? त्रिस्तरी वाल होती है। त्रिस्तरी में क्या है बच्चों? त्रिस्तरी का तात्पर्य है इसमें तीन लेयर बनी होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम कहलाती है, पेरीमेट्रियम। फिर दूसरी वाल है मायोमेट्रियम और फिर तीसरी वाल है एंडोमेट्रियम। तो ये देखें तो त्रिस्तरी वाल है और इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें ये ग्लाइकोजन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन आपको पता है कि एक पूरक आहार है, संपूरक आहार है, मतलब भोज्य पदार्थ है। इसी के द्वारा यहाँ पर स्थापित जो एम्ब्रियो है भ्रूण, इसी से जुड़ा रहता है एक संरचना से। इस संरचना को कहा गया है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से ग्लाइकोजन युक्त भोज्य पदार्थ को इस एम्ब्रियो को प्रदान करता रहता है और पोषण देता रहता है और इसका विकास होता रहता है। एम्ब्रियो तब तक यहाँ पे स्थापित रहता है जब तक इसका कायिक रूपांतरण ना हो जाए और ये बच्चे के रूप में विकसित ना हो जाए। मतलब मानव में बात करते हैं तो यहाँ लगभग ये मोर देन 8 मंथ रहता है। जब इसका यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तब इसमें कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन साबित होते हैं जिनको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। लेकिन अब इसकी घटना अब नेक्स्ट
डे आपको बताएंगे। आज हम यहीं तक जानेंगे कि यहाँ त्रिस्तरीय संरचना के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ करके इसको ग्लाइकोजन द्वारा पोषण होता रहता है और एम्ब्रियो का विकास होता रहता है।